नाजरीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के साथ जो कसूर के इलाके में बड़े मशहूर है। 40 साल से ये पकौड़े यहाँ पर सेल कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनके उस्ताद इंडिया से थे और इनके पास सबसे बड़ी क्वालिटीएबल चीज़ ये है कि इनके पास 5 किस्म के पकौड़े यहाँ पर मौजूद है। तो अल्लाह का करम है, जात का शुक्र है कि अभी कोई भी भावे महंगा भी हो सौदा कि महंगा हो सौदा खरा बनाई दे तो सारा बेची दे, इस वास्ते साडा नाम एक बार चल गया। शुभरात का दिन थी जिस दिन पहले दिन असं पकौड़े लाए तो 1200 रुपया फटिया तो बड़े खुश हुए असी। मेरे बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की है, असी लिफाफे बना बना के ना किसी दुकान के लिफाफे बनाने सब बच्चे लोगों घर दे के आते तो चुक के लिया। बस जी मैं कहता कि इमानदारी का सौदा बनाओ, बुलावट ना करो। मेरे उस्ताद ने कहा ही तुम मेरा उस्ताद, उन्हें एक गल कहती उनके पुत्र ताडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि झूठ मारना बड़ा सख्त गुनाह है, तो जिहड़ा सौदे च बुलावट करता है ना सब तो वड्डा गुनाह होए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के साथ बाबा काला जी जो कसूर के इलाके में बड़े मशहूर है। 40 साल से ये पकौड़े यहाँ पर सेल कर रहे हैं और मेरे हक में दे सकते हैं कि साथ उनकी बीवी भी मौजूद है, जो मियाँ बीवी दोनों यहाँ पर कसूर के इलाके बाबा काले पकौड़े वाले बड़े मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा जी बाबा जी आपका बड़ा नाम सुना है, आपका अकेले का नहीं मियाँ बीवी दोनों का बड़ा नाम सुना है, कसूर में बाबा काले पकौड़े वाले बड़े मशहूर हैं, आप मियाँ बीवी यहाँ पर पकौड़े सेल करते हैं, कितने अरसे से करते हैं? चलो कोई 30-35 साल हो गए जनाब इतने काम करते, तो पहले असं किसी होते कर रहे सर, असं इतने आ के सब अपना शुरू किया, इतने जो आए हैं अल्लाह का बड़ा करम हो, शुक्र आजाद का कोई सौदा काफ़ी विक जाता है, लोग पसंद करते हैं। सब तो वही गल है कि जो बेईमानी ना हो सौदे में, जो शायद बेईमानी हो रिजक का लाल आराम हो जाता है, तो अल्लाह का करम है, आजाद का शुक्र है कि अभी कोई भी भावे महंगा भी हो सौदा कि महंगा हो सौदा खरा बनाई दे तो सारा बेची दे, इस वास्ते साडा नाम एक बार चल गया, तो कोई भी साढ़े को सौदा उदा लैके जाता, बच्चे आ जाए सियाड़े आ जाए असी जो सही शायद दे दी, बच्चा भी आवे तो उन्हें बड़े प्यार पुछी दे, तो सब तो वही गल कोई सौदा वापस कर भी आ जाए ना हजूर की सुनो तो सौदे वापस ले लो, वापस लैके रख ली दे वो फिर अल्लाह बार रिजल्ट वादा कर देते। हाँ जी मेरा उस्ताद बाखा है, बुले शाह को इंडिया च आए थे, इतने फिर उन्होंने अपना कारोबार किया, उन्होंने मैं गल्ला पता करते थे सौदे के बारे, तो मैं फिर घर जो आके घर गल करनी, वो मैं पहले मिठाई का कारोबार कर रहा सा, तो फिर आस्ता आस्ता मेरे घर की कह लगे अपना गुजारा नहीं होता माँ जी, अपना गुजारा नहीं होता, तो तुम इतने आप छोटी दुकान ले ली, मैं सौदा सुदा बना छा करा दी, तुम उस वे हो गया आके दुकान फिर कर लिया, बैके पकौड़िया का समान ए पकौड़ा शेवर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कदों शुरू थोड़े जहन से दिमाग आइडिया कि बस वो गरीबी लैन दी हर एक काम भी बना लिए शायद लामिया, शुभरात का दिन थी जिस दिन पहले दिन असं पकौड़े लाए तो 1200 रुपया फटिया तो बड़े खुश हुए असी। पहली बार 1200 फटिया? हाँ जी। कितना अरसा पहले की गल? 35 साल पहले की गल है। 1200 फटिया? हाँ बड़े तो बड़े खुश हुए कि लामिया साड़ा कारोबार चला देगा। उस तो बाद जारी रहा? जारी रहा, फिर पहले रेहड़ी तो इतने सामने लाने सा, फिर असं दुकान ले ली, तो दुकान च माशाला जो बैठे ने मालक भी बहुत अच्छे ने, सलूक तफा करने वाले मालक भी, उन्होंने एक दिन नहीं 35 साल 40 साल क्या कि दुकान वेली कर दियो। दिक्कत नहीं होती कि एक और आजाद आके डेरी के पकौड़े वे? नहीं मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई शर्म नहीं फील होती 35 साल तो वे? हाँ नहीं बाबा जी शुरू तो आके इतने हाथ बटाने? हाँ जी शुरू तो आके जवानी वेले मैं अपने मियाँ के पिछे निकली हुई हाँ। बाबा जी ये 5 किस्म के तुहाड़े कोल पकौड़े उन्होंने नाँ तो दसो। पतौ वाला पकौड़ा हो गया, आलू वाला हो गया, आडे वाला हो गया, मिर्च वाला हो गया, प्याज वाला हो गया, करेले वाला हो गया, आलू वाली टिक्की हो गई, आलू वाला समोसा हो गया, कीबे वाली टिक्की हो गई, और ये पकौड़े अंडे वाला पकौड़ा तो पहली दफा सुना। हाँ जी ये बस दसिया ना वो जो अपना मेरा उस्ताद नहीं सी वो दसदा सी ना, तो फिर घर आ के मैं दस रहा, तो घर की कह लगी कि मैं ट्राई कर रही हूँ, वो फिर ट्राई कर लग पाए मतलब कि आइडिया माँ हाँ जी जो ट्राई करती वो फिर ट्राई के जरिए जरा काम शुरू कर लिया।
बस जी मैं कर रहा कि इमानदारी ना सौदा बनाओ बुलावट ना करो। मेरे उस्ताद ने कहा तुम मेरा उस्ताद उन्हें एक गल कही उनके पुत्र ताडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि झूठ मारना बड़ा सख्त गुनाह है तो जो सौदे च मिलावट करता है ना सब तो वड्डा गुनाह हो। मैं पूछा उन्होंने बाबा जी की चक्कर है क्यों उन्हें क्या सौदा जोड़ा है ना हर शख्स करता बच्चा खाता सियाणा खाता है कई बीमार हो जाए अगर बुलावट करो तो बुलावट ना करो बाकी जो कमाई का रजिया इदा ना करो कि सामने को लुट ली बिल्कुल कप लाल तक करो रिजक लाल तक खाओ चला पा बड़ी बरकत पावे वो दिन जावे अज्ता आवे। मैं कभी गलत कम नहीं किया तो ना मैं सौदा गलत करवा जी। तो नाजरीन आपने देखा बाबा काला की कहानी उन्हीं की जुबानी। उस्ताद हिंदुस्तान से थे, हिंदू थे पहले, बाद में जाकर वो मुसलमान हुए हैं। आपने बाबा काला की कहानी उन्हीं की जुबानी। कसूर के ये मशहूर पकौड़े हैं पकाते हैं और तकरीबन पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही इस एरिया के अंदर बाबा बुल्ले शाह बाज़ार के अंदर इनकी शॉप है। इनकी बीवी भी आपने सुनी उनकी कहानी की किस तरह ये साथ दोनों ने एक इसके अंदर रेसिपी ईजाद की 5 से 6 किस्म के पकौड़े। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे न्यूज़ अलर्ट।